हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल SM क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को खंड शिक्षा अधिकारी अर्थात ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की तैयारी करा रहा हूं, जिसके अंतर्गत हमारा आज का टॉपिक है विश्व कृषि अर्थात वर्ल्ड एग्रीकल्चर। तो इसके अंतर्गत हम जानेंगे आज कृषि के प्रकार, फसल उत्पादन में पहले नंबर पर कौन है, दूसरे नंबर पर कौन है या फिर तीसरे नंबर पर कौन है, फिर उसके बाद फल उत्पादन वाले देश उनके बारे में कुछ विशेष तथ्य। तो कुल मिलाकर यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कृषि की। तो कृषि किसी भी देश की आधारशिला होती है। पूरे विश्व में लगभग 4 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कृषि की जाती है। तो कृषि के अंतर्गत फसलों का उत्पादन होता है, जिन्हें कि हम निम्नलिखित श्रेणियों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है खाद्यान्न फसलें, जिनमें कि गेहूं, चावल, मक्का आते हैं। दूसरा है नकदी फसलें, जिसमें कि मसाले, गन्ना, तंबाकू आते हैं। तीसरा है बागानी फसलें, जिसमें कि काफ़ी, चाय, रबर आते हैं। और चौथा है रेशेदार फसलें, जिसमें कि कपास और जूट आते हैं। तो विश्व में पाए जाने वाली जो प्रमुख फसलें हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे और उनसे जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं अर्थात तथ्य हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कुल मिलाकर ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि UPSC व अन्य कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में इसे अनेक क्वेश्चन पूछे गए। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कृषि के प्रकार के बारे में। वैसे तो खेती करने की अनेक विधियाँ हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग दो मुख्य विधि के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं स्थानांतरित कृषि, जिसे हम बोलते हैं शिफ्टिंग फार्मिंग, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कई बार इसे क्वेश्चन पूछे गए। तो सबसे पहले हम जानते हैं स्थानांतरित कृषि होता क्या है। तो स्थानांतरित कृषि कृषि का एक प्रकार है, जिसमें भूमि का एक टुकड़ा कुछ समय के लिए फसल बोने के लिए चुना जाता है और जब कुछ सालों में उस भूमि के टुकड़े का उपजाऊपन खत्म हो जाता है तो उस भूमि के टुकड़े को कुछ सालों तक छोड़ देते हैं और नई भूमि के टुकड़े को फसल के लिए चुना जाता है। लगभग 10-12 सालों में उस छोड़ी गई भूमि पर फिर से वनस्पति उग जाते हैं और उस वनस्पति की कटाई करके उसे फिर से कृषि के लिए तैयार। यदि अगर हम बात करें शिफ्टिंग फार्मिंग की अर्थात स्थानांतरित कृषि की, तो भारत में स्थानांतरित कृषि को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अगर हम बात करें उत्तर पूर्वी भारत में इसे झूम खेती के नाम से जाना जाता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो याद रखिएगा, उत्तर भारत में जो स्थानांतरित खेती होती है उसे हम बोलते हैं झूम खेती। वहीं हम बात करें आंध्र प्रदेश में तो इसे बोलते हैं पोडू। तो जिस प्रकार भारत में स्थानांतरित कृषि को अलग अलग नामों से जाना जाता है, उसी प्रकार विश्व में अलग अलग जगहों पर इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो इसे अनेक बार क्वेश्चन आए हैं, तो आइए जानते हैं। जैसे भारत में स्थानांतरित कृषि को झूम कहते हैं, उसी तरह थाईलैंड में तमराई, म्यांमार में तुंग्या, श्रीलंका में चिन्ना, ब्राज़ील में रोका, ग्वाटेमाला में मिल्पा तथा मलेशिया में लदांग नाम से जाना जाता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिएगा, जो स्थानांतरित कृषि की अगर बात करें शुरुआत हुई थी तो हुई थी थाईलैंड में। तो आइए स्थानांतरित कृषि के बाद अगर हम बात करते हैं दूसरे प्रकार के कृषि की, जो कि है सोपान कृषि। तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में मैदानी इलाकों के अभाव के कारण पहाड़ों की ढलानों पर सीढ़ियों के आकार के खेत बनाए जाते हैं और खेती की जाती है, और इस प्रकार की खेती को हम बोलते हैं सोपान कृषि। तो जो पहाड़ी प्रदेश होते हैं वहाँ पर क्या होता है, मैदानी क्षेत्र कम होते हैं, तो वहाँ पर क्या किया जाता है कि पहाड़ों के ढलानों को काट काट कर सीढ़ीनुमा संरचना बनाई जाती है और इस प्रकार की खेती को हम बोलते हैं सोपान कृषि। आइए आगे हम बात करते हैं अलग अलग प्रकार की कृषि को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर होता क्या है, इसे बागवानी खेती बोला जाता है। इसके अंतर्गत फल, सब्जी, पेड़, फूल, इन सभी को उगाया जाता है। तो ये सब चीज़ें आपकी किस में आती है, हॉर्टिकल्चर में आती है। बागवानी खेती में अन्य खेती के कंपेरिजन में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता पड़ती है। तो जो बागवानी खेती होती है उसमें जो लेबर होते हैं या लेबरों की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है। बात करें हॉर्टिकल्चर की, तो इन्हें अलग अलग ब्रांचों में बांटा गया है, जैसे पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर,
फ्लोरिकल्चर, विटिकल्चर, तो आइए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। तो जैसे पोमोलॉजी, तो इसमें फलों की खेती को कहा जाता है। वहीं बात करें सब्जियों की खेती को बोलते हैं ओलेरिकल्चर, फूलों की खेती को बोलते हैं फ्लोरिकल्चर, और अंगूर की खेती को बोलते हैं विटिकल्चर। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिएगा, जिसमें कि कई बार क्वेश्चन आए हैं, पौधों को हवा में उगाने वाली प्रक्रिया को हम बोलते हैं एरिपोनिक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पौधों को अगर वायु में उगाया जाता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, एरिपोनिक कहते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं कुछ फसलों के बारे में, जिनके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चावल की। तो चावल ये एशिया में सबसे अधिक प्रमुख धान फसल है। यह पूरे विश्व में लगभग 90% चावल दक्षिण एशिया में पैदा किए जाते हैं। FAO अर्थात फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों के अनुसार विश्व में चावल उत्पादन करने वाले प्रमुख 3 देश हैं, जिनमें कि सबसे पहले है चीन, उसके बाद है भारत, और उसके बाद है इंडोनेशिया। तो याद रखिएगा, इसके क्रम एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे अधिक चावल उत्पादन देश है चीन, उसके बाद है भारत, और तीसरे नंबर पे आता है इंडोनेशिया। अभी हम लोगों ने ऊपर FAO के बारे में डिस्कस किया था, जिसका फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन अर्थात खाद्य एवं कृषि संगठन। तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसका मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिएगा रोम, इटली में है। आइए बात करते हैं चावल की फसलों के लिए सर्वाधिक क्षेत्र 43 मिलियन हेक्टेयर भारत में है, जबकि चीन के पास चावल की फसल के लिए केवल क्षेत्र 30 मिलियन हेक्टेयर है। फिर भी चीन भारत से ज़्यादा उत्पादन करता है, क्योंकि भारत में जो क्षेत्र है उसमें सिर्फ आधे भाग में ही सिंचाई की जाती है, जबकि जो चाइना है उसके पास कृषि के लिए उचित साधन उपलब्ध है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान IRRI, जिसे हम इंग्लिश में इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, और धान जीन बैंक, जो कि फिलीपींस में स्थित है। तो याद रखिएगा, इसे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो IRRI और धान जीन बैंक कहाँ स्थित है, वो स्थित है फिलीपींस में। बात करते हैं हाइब्रिड राइस, जिसे हम बोलते हैं संकर धान। चीन में बोए जाने वाला सबसे लोकप्रिय चावल है। चीन के चावल के क्षेत्र के आधे भाग पर यही बोया जाता है। धान की खेती को 5-15% तक बढ़ाने के लिए किसान एक जैविक खाद अर्थात जीवाणु का उपयोग करते हैं, जिसका नाम है एजोला एनाबिना। तो याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे क्वेश्चन पूछा गया है कि धान की खेती को जैविक रूप से बढ़ाने के लिए किस जीवाणु का प्रयोग करते हैं, एजोला एनाबिना। तो एजोला एनाबिना है क्या और इसका नाम कैसे पड़ा, आइए जानते हैं। एजोला पानी के ऊपर पनपने वाला एक छोटा पौधा है, और इस पौधे की पत्तियों में एक सूक्ष्म जीव एनाबिना पाया जाता है, जो कि एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, अर्थात यह एक नीला हरा शैवाल है। तो जो एजोला प्लांट है, इसके पत्तियों में एनाबिना नामक नीले हरे शैवाल पाए जाते हैं। नील हरे शैवाल को ही साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो नीले हरे शैवाल है उन्हीं को बोलते हैं हम साइनोबैक्टीरिया, जो फसलों में नाइट्रोजन और बहुत से पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं, और साथ ही जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। तो याद रखिएगा, चावल की खेती के लिए जो जैविक फसल का यूज़ करते हैं या जैविक खाद का यूज़ करते हैं, वो है एजोला एनाबिना, जो कि एक साइनोबैक्टीरिया है। बढ़ते हैं अगले फसल की ओर, वो है गेहूँ। उत्पादन की दृष्टि में गेहूँ विश्व का दूसरा खाद्यान्न फसल है। गेहूँ की जन्मभूमि फिलिस्तीन को माना जाता है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। गेहूँ का पौधा शीतोष्ण जलवायु का पौधा है, जिसकी उपज के लिए 10 डिग्री से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर सबसे अच्छे माने जाते हैं। तो कहने का अर्थ है कि गेहूँ के पौधे के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है, 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड अच्छा माना जाता है। विश्व में गेहूँ उत्पादन करने वाले प्रमुख 3 देशों की बात करें, तो इसमें भी सबसे ऊपर है चीन, उसके बाद भारत, और तीसरे नंबर पर है रूस। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिएगा, गेहूँ फसल के क्षेत्रफल में भारत विश्व में पहला स्थान पर है। बढ़ते हैं तीसरे नंबर की फसल की ओर, जो कि है मक्का। तो गेहूँ और चावल के बाद मक्का विश्व की तीसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है। मक्का एक अमेरिकन पौधा है, और विश्व में मक्के का लगभग 50% उत्पादन अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात USA करता है। मक्का का जन्म स्थान
मेक्सिको को माना जाता है। अगर हम बात करें मक्का के प्रोडक्शन की, तो तीन सबसे ज़्यादा मक्का उत्पादक देश हैं, उसमें सबसे पहले है संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात USA, दूसरे नंबर पर है चीन और तीसरे पर है ब्राज़ील। तो याद रखिएगा ये सिस्टम और ये क्रम मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और इससे कई बार क्वेश्चन UPSC के एग्ज़ाम में पूछे गए। संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्का का सबसे ज़्यादा उत्पादन होने के बावजूद मक्का का मध्य अफ्रीका देशों में मुख्य रूप से भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। आइए बढ़ते हैं अपने चौथे फसल की ओर जो है गन्ना। तो विश्व में कुल चीनी अर्थात शक्कर का उत्पादन 60-70% गन्ने से ही प्राप्त किया जाता है। तो गन्ना से ही चीनी का मुख्य रूप से उत्पादन होता है, याद रखिएगा। भारत को गन्ने की जन्मभूमि मानी जाती है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, भारत को गन्ने की जन्मभूमि मानी जाती है। विश्व में तीन सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादक देश की बात करें तो ब्राज़ील पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है भारत और तीसरे नंबर पर है चाइना अर्थात चीन। बात करते हैं सबसे अधिक चीनी निर्यात करने वाले देश की, तो थाईलैंड एक ऐसा देश है जो कि 82% चीनी निर्यात करता है। वही बात करें अगर हम क्यूबा की, क्यूबा में गन्ना उत्पादन प्रमुख रूप से होता है जिससे चीनी प्राप्त की जाती है। इसे विश्व में चीनी का कटोरा अर्थात सुगर ऑफ बाउल भी कहते हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा क्यूबा को चीनी का कटोरा कहते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले फसल की ओर जो कि है चुकंदर, शुगर बीट। विश्व में चीनी के कुल उत्पादन की 30-40% भाग चुकंदर से ही प्राप्त किया जाता है। तो जैसा हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा था कि जो विश्व में चीनी का जो कुल उत्पादन होता है गन्ने से 60-70% भाग होता है, जबकि चुकंदर से 30-40% भाग चीनी तैयार किया जाता है। चुकंदर से चीनी बनाने की प्रक्रिया सबसे पहले जर्मनी में विकसित हुई थी, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। चुकंदर के तीन प्रमुख उत्पादन देशों की अगर हम बात करें तो सबसे पहला है रूस, दूसरे नंबर पे है फ्रांस और तीसरे नंबर पे है जर्मनी। तो इस सीरीज़ को याद रखिएगा। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि जो यूक्रेन देश है, यूक्रेन देश में संपूर्ण चीनी चुकंदर से ही प्राप्त किया जाता है। कहने का अर्थ है कि यहाँ पर अगर चीनी बनाई जाती है तो सिर्फ चुकंदर से ही बनाई जाती है। बढ़ते हैं हम लोग अगले फसल की ओर जो कि है कपास। तो भारत को कपास का जन्मदाता माना जाता है। रेशों की लंबाई के अनुसार कपास में कई किस्में होती है जिन्हें हम दो वर्गों में बांट सकते हैं, छोटे रेशे वाली कपास, मध्य रेशे वाली कपास। बात करें यदि हम छोटे रेशे वाली कपास, तो इसमें कपास की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर से छोटी होती है, और इस प्रकार की कपास को भारत चीन में उगाया जाता है। वहीं अगर हम बात करें मध्य रेशे वाली कपास की, तो इसमें कपास की जो लंबाई होती है 3.75 से लेकर 5 सेंटीमीटर तक होती है। विश्व में अधिकांश इसी तरह की कपास उगाई जाती है तथा इस प्रकार की कपास का उत्पादन नील नदी से लगे हुए देशों में किया जाता है। इसे मिस्र की कपास भी कहते हैं, तो याद रखिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मिस्र की कपास जिसे हम वाइट गोल्ड भी कहते हैं। अगर हम बात करें विश्व के तीन प्रमुख कपास उत्पादक देशों की, तो उसमें चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन यहाँ पर कई बार पूछा हुआ है कि सबसे अधिक कपास उत्पादन करने वाला देश है चीन। अगर हम बात करें प्रति हेक्टेयर कपास के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले स्थान पर आता है, यह 2202 kg प्रति हेक्टेयर कपास का उत्पादन करता है। लावा से जिन मैदानों का जन्म हुआ उन मैदानों पर कपास की खेती की जाती है। बढ़ते हैं हम अगले फसल की ओर जो कि है तंबाकू। तो बात करें तंबाकू की खेती के लिए हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, और FAO के अनुसार तंबाकू का उत्पादन करने वाले तीन प्रमुख देश की बात करें तो सबसे पहले है चाइना, दूसरे नंबर पर भारत और तीसरे नंबर पर है ब्राज़ील। बढ़ते हैं अगली फसल की ओर जो कि है रबर। तो रबर एक बागानी फसल है और इसमें लेटेक्स पेड़ के रस से प्राप्त किए जाते हैं। तो जो रबर बनता है तो वो दूधनुमा संरचना पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं लेटेक्स। इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन दक्षिण पूर्व एशिया में, थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया में होता है। रबर का उत्पादन करने वाले तीन प्रमुख देशों की बात करें तो सबसे ऊपर है थाईलैंड, फिर उसके बाद नंबर आता है इंडोनेशिया का, फिर सबसे तीसरे नंबर पर आता है वियतनाम। तो याद रखिएगा इसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है।
तो सबसे पहले है थाईलैंड, रबर उत्पादन करने वाला सबसे प्रमुख देश। इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक नोट कर लीजिएगा कि अमेरिका रबर का सबसे प्रमुख आयात करने वाला देश है, मतलब ये सबसे अधिक रबर को इम्पोर्ट कराता है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वही बात करते हैं दूसरे इम्पॉर्टेंट पॉइंट की ओर, तो सबसे ज़्यादा रबर की खेती इंडोनेशिया में की जाती है, परंतु इससे पहले जो सबसे अधिक रबर की खेती भारत में की जाती थी, लेकिन अब सबसे पहले नंबर पर आ गया है इंडोनेशिया। वही बात करें रबर की खेती का मूल स्थान दक्षिण अमेरिका में अवेजन घाटी को माना जाता है। आइए अब हम बात करते हैं अगली फसल की, जो कि है कॉफ़ी, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं कहवा। अफ्रीका के इथियोपिया को कॉफ़ी का जन्मदाता कहा जाता है। अगर हम बात करें कॉफ़ी की तीन प्रमुख किस्मों की, तो पहला है लाइबेरिया, दूसरा है अरेबिका और तीसरा है रोबस्टा। बात करें हम अरेबिका की, तो यह सबसे उत्तम कोटि का कॉफ़ी होता है, और बात करें यदि रोबस्टा की, तो भारत और अफ्रीका में इसे सबसे अधिक मात्रा में उगाया जाता है। वही बात करें कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन करने वाले तीन प्रमुख देशों की, तो सबसे पहले आता है ब्राज़ील, दूसरे नंबर पर आता है वियतनाम और तीसरे नंबर पर आता है कोलंबिया। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ब्राज़ील। याद रखिएगा कि ब्राज़ील से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन कौन करता है, तो ब्राज़ील करता है। तो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिएगा। US के हवाई शहर में उत्पन्न होने वाली कॉफ़ी को हम कोना कॉफ़ी कहते हैं, इसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ब्राज़ील में जहाँ बहुत अधिक कॉफ़ी प्लांटेशन होता है, उसे वहाँ पर फजेंडा कहा जाता है। तो जहाँ पर सबसे अधिक ब्राज़ील में कॉफ़ी उगाई जाती है, उस स्थान को फजेंडा कहा जाता है। श्रीलंका में कॉफ़ी की खेती कर्ण किट लीफ जस्ट रोग के कारण बंद कर दी गई थी। आइए अब अगली फसल के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, जो कि है चाय। चीन को चाय का जन्मदाता कहा जाता है। चाय बगानी कृषि के अंतर्गत आता है, जैसा मैंने पीछे बताया था कि बगानी कृषि में चाय आता है। FAO के अनुसार सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन करने वाला तीन प्रमुख अगर देशों की बात करें, तो पहले नंबर पर है चाइना, दूसरे नंबर पर है भारत और तीसरे नंबर पर है केन्या। वहीं अगर हम बात करें चाय का सबसे अधिक निर्यात अर्थात एक्सपोर्ट कौन करता है, तो वह है केन्या देश। तो याद रखिएगा चाय का सबसे अधिक निर्यात करने वाला देश है केन्या। चाय में जो होता है थिनाइन, कैफीन, टेनिन, इन तत्वों की उपस्थिति होती है, तो ये केमिकल कंपोजिशन है, याद रखिएगा ये चाय में पाए जाते हैं। फिर से नाम मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, थिनाइन, कैफीन और टेनिन। ग्रीन टी की बात करें तो ग्रीन टी के उत्पादन में ब्राज़ील पहले स्थान पर आता है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम सभी जानते हैं कि ग्रीन टी जो होता है हमारे सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक है, और सबसे अधिक इसका उत्पादन कहाँ होता है, ब्राज़ील में होता है। आइए बढ़ते हैं अगले फसल की ओर, कोकोआ। तो जो कोकोआ है, कोको नामक पेड़ से प्राप्त किया जाता है। कोकोआ का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला अगर देश है, तो वह है आइवरी कोस्ट, जो कि अफ्रीका में है, दूसरे नंबर पर है घाना और तीसरे नंबर पर है इंडोनेशिया। एग्ज़ाम में इसे क्वेश्चन पूछा गया है, इसे आप याद रखिएगा। पढ़ते हम लोग अगले फसल की ओर, जो कि है जूट। तो जूट एक रेशेदार फसल होता है, जिसका सबसे अधिक उत्पादन बांग्लादेश, भारत और थाईलैंड में किया जाता है। अगर हम बात करें विश्व में तीन सबसे अधिक जूट उत्पादक देशों की, तो सबसे अधिक पहले नंबर पर आता है भारत, जिसमें 55%, दूसरे नंबर पर है बांग्लादेश जहाँ पर 41% और तीसरे नंबर पर है चाइना, जहाँ पे 13% जूट का उत्पादन किया जाता है। वही हम बात करें विश्व का सर्वाधिक जूट उत्पादक क्षेत्र, तो जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई मैदान है, वहाँ पर सबसे अधिक जूट का उत्पादन किया जाता है। ध्यान रखने वाली चीज़ है, जूट उत्पादन देशों में सबसे अधिक प्रति हेक्टेयर जूट का उत्पादन बांग्लादेश में होता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, जिस प्रकार जूट के उत्पादन में सबसे नंबर पहले नंबर पर आता है भारत और दूसरे नंबर पर बांग्लादेश, उसी प्रकार मसाले के उत्पादन में भी भारत पहले नंबर पर आता है और बांग्लादेश दूसरे स्थान पर आता है। तो ये दो सीक्वेंस एक जैसे हैं, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया ताकि आप इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों, लगभग मैंने 12 से 13
प्रकार के फसलों के बारे में आप सभी से डिस्कस किया। इसके अलावा कुछ अन्य और फसलें हैं जिनके बारे में बहुत शॉर्ट में पूछा गया है, तो आइए उनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं और इनको आप नोट कर लीजिएगा। अगर हम बात करें ज्वार की, तो सबसे अधिक उत्पादन देश है ज्वार का नाइजीरिया, दूसरे नंबर पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरे नंबर पर है भारत। वही बात करें हम मूँगफली की, तो सबसे अधिक उत्पादन करने वाला पहला देश है, पहले नंबर पर है चीन, दूसरे नंबर पर भारत, तीसरे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। वही बात करें दलहन अर्थात दालों की, तो सबसे पहले नंबर पर आता है भारत, दूसरे नंबर पर है रूस और तीसरे पर है ऑस्ट्रेलिया। और वहीं सोया उत्पादन देशों की बात करें, तो पहले नंबर पर आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे पर है ब्राज़ील और तीसरे पर है अर्जेंटीना। तो एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, प्रमुख फसल आलू, प्याज और टमाटर के उत्पादन में पहले नंबर पर आता है चीन और दूसरे नंबर पर है भारत। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इस सीक्वेंस को याद रखिएगा कि जो प्रमुख फसलें हैं आलू, प्याज, टमाटर, इनके उत्पादन में पहले नंबर पर चाइना और दूसरे नंबर पर है भारत। आइए अब हम बात करते हैं फलों के उत्पादन की, तो फलों के उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर आता है जबकि पहले स्थान पर आता है चाइना। तो अगर हम बात करें चाइना में सेब, अंगूर, लीची, नाशपाती और नींबू सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में केला, अनार, आम, पपीता और आंवला इनका सबसे अधिक उत्पादन करता है। तो इस प्रकार मैंने बताया कि भारत दूसरे नंबर पर आता है और पहले नंबर पर आता है चाइना। वही बात करें हम लोग सबसे अधिक नारियल के उत्पादन की, तो इंडोनेशिया में सबसे अधिक नारियल का उत्पादन होता है। वहीं अगर हम बात करें ब्राज़ील में, तो संतरा और अमरूद अधिक मात्रा में उगाया जाता है। तो आइए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग नोट करते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इससे कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जैसे मैंने बताया था कि जो गेहूं और चावल के उत्पादन में चीन जो है सबसे पहले नंबर पर आता है। तो चीन में गेहूं का उत्पादन अधिक वांगो नदी और उसकी सहायक नदियों के बेसिन क्षेत्र में होता है। तो याद रखिएगा जो चीन में गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक वांगो नदी और उसकी सहायक नदियों के बेसिन क्षेत्र में होता है। वही बात करें हम चावल की, तो चावल का यांगसी और सिक्यांग नदी के क्षेत्र में होता है। तो याद रखिएगा चावल का जो खेती सबसे अधिक चाइना में होता है वो यांगसी और सिक्यांग नदी घाटी के क्षेत्र में होता है। वहीं पर हम लोगों ने बात किया था कॉफ़ी के बारे में, तो कॉफ़ी के लिए सबसे अधिक मुख्य था देश ब्राज़ील। तो कॉफ़ी के लिए ब्राज़ील का सालो पालो क्षेत्र प्रसिद्ध है, इसे विश्व की कहवा मंडी भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा इसे क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व की कहवा मंडी किसे कहते हैं, तो ब्राज़ील के सालो पालो क्षेत्र को कहते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आपको कोई भी डाउट हो या आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।